हेलो गाइस, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू ज्योति बरोला आर्ट। कैसे हैं आप सब लोग? मैं थोड़ी सी खराब हूँ क्योंकि मैंने कल अपना हाथ तोड़वा लिया, बट स्टिल हमारी क्रिएटिविटी इससे नहीं रुकेगी। हम अभी भी उतना ही क्रिएटिव कंटेंट लेके आएंगे, बहुत इजी इजी ट्यूटोरियल एंड आर्ट वीडियोस जो मैं एक हाथ से बना सकती हूँ वो आप दो हाथ से तो जरूर बना सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ ट्यून इन करिए क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही फेमस स्टेशनरी में, जहाँ हम जाके देखेंगे हमें क्या मिलता है अपने नेक्स्ट क्रिएटिव वीडियोस के लिए, और जाके देखते हैं वहाँ क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हम फाइनली आ चुके हैं उत्तरांचल स्टेशनरी के बाहर। ये इतनी उत्तरांचल है कि देखो इन्होंने यहाँ पे ऐपन भी बना के रखे हैं। एनीवेज चलो सीधे अंदर चलते हैं। इनके पास इतना सारा सामान था, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक के लिए सबके लिए इतना क्यूट क्यूट सामान था, मेरा तो मन कर रहा था सब कुछ खरीद लूँ, पर ऑफकोर्स हम वो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे शेल्स वगैरह भी थे, अगर आपको फ्रेंडशिप बैंड वगैरह बनाने हो। और फिर यहाँ पर एक अलग से सेक्शन था जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग साइज के कैनवस बोर्ड्स पड़े हुए थे। हर साइज में कैनवस बोर्ड था, छोटे से लेके बड़ा, राउंड, स्क्वायर, हर शेप में बुक्स थी, पेपर्स थे, चार्ट पेपर थे, बहुत सामान था यहाँ पर। सो फाइनली बहुत सारा सामान स्टेशनरी से लेके और अपनी गाड़ी पे भर के हम जा रहे हैं वापस घर। तो चलो घर जाके इन सबको अनबॉक्स करते हैं, और इतने एक्साइटिंग प्राइजेस थे, चलो मैं आपको इनके एक एक करके प्राइजेस भी बताती हूँ। सो फाइनली हम घर आ चुके हैं और आज है सेकेंड डे, तो मैं अगले दिन ये शूट कर रही हूँ और मैं आपको रिवील करने वाली हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई। मैंने बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं लिया, बट आई मेक श्योर कि वो स्टेशनरी एक्चुअली बहुत अच्छी है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी वहाँ जाके ज़रूर लेना। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान लिया। चलो छोटे सामान से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत बड़ा सामान भी लेके आई हूँ। सो लेट्स गो। सो पहली चीज़ जो मैं लेके आई हूँ वो है ये गोल्डन कलर का फैब्रिक कलर, और ये मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर आर्टवर्क है, तो वो मैं अपनी वीडियो में डालूंगी, तो ये उसके लिए है। और ये गोल्डन कलर का है पूरा। इसका प्राइस जो भी है, इन चीज़ों का जो भी प्राइस है वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन में डाल दूंगी, तो ओरिजिनल प्राइस भी, डिस्काउंटेड प्राइस भी, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस रेट में क्या सामान मिलता है। तो या द फर्स्ट थिंग इज दिस फैब्रिक कलर का पर्ल मेटालिक। सेकेंड थिंग इज दिस एक्रेलिक का स्प्रे पेंट, ये भी गोल्डन कलर का है और ये भी मैं एक बहुत बड़े से आर्टवर्क ले लाई हूँ। सो या दिस इज स्प्रे पेंट, इसमें जैसे आवाज भी आती है, डांस कर सकते हैं आप इसको देख के। एंड इसका प्राइस भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ऑलरेडी। थर्ड आर दीज टू लिटिल पेंटिंग्स ऑन MDF बोर्ड। ये ऑलरेडी ऐसे प्रिंटेड हैं, मतलब ये फायर करके बनाए जाते हैं। एंड ये इसमें छोटा भीम और उसकी आई डोंट नो दूसरा इसका क्या नाम होता है, आप लोग कमेंट करके बताना। गर्लफ्रेंड कैमरामैन बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड, तो आप छोटा भीम की गर्लफ्रेंड का क्या नाम है वो कमेंट करके बताना। छुटकी नाम है क्या? छुटकी नाम सही है, कमेंट करके बताना। इतने बार बोल रही हूँ कमेंट करके बताना पर कोई कमेंट नहीं करता है। तो हाँ, ये छोटा भीम और छुटकी इसकी गर्लफ्रेंड है, और एक और है मेरे पास, एंड दैट इज मिकी माउस और उसकी गर्लफ्रेंड मिनी। तो मैं ये दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाई हूँ MDF बोर्ड के, और इसको हम पेंट करेंगे बहुत अच्छा सा। नेक्स्ट आर दीज स्मॉल साइज ऑफ एक्रेलिक कैनवस बोर्ड्स। ये 6x6 इंचेस के हैं। ये मैं टोटल 6 पीसेस लाई थी, दो पे ऑलरेडी आर्टवर्क मैं बना चुकी हूँ, अब चार और बचे हैं, इनमें भी हम बहुत प्यारा सा आर्टवर्क बनाने वाले हैं। इसीलिए बोल रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप कोई भी आर्टवर्क मिस ना करो। सो दीज आर 4 एक्रेलिक बोर्ड्स, इनके प्राइसेस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नेक्स्ट इज दिस क्यूट स्केचबुक। ये स्केचबुक जो है मैंने अभी तक खोली भी नहीं है, एकदम फ्रेश पड़ी है, और ये स्केचिंग की होती है। इसमें एक साइड डॉटेड पेपर्स हैं और एक साइड प्लेन शीट है, तो आप कुछ लिख भी सकते हो और आप डॉटेड पेजेस के साथ बहुत अच्छा कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो। सो या ये काफी मोटी सी है और ये काफी यूजफुल होने वाली है। सो दिस इज वन ऑफ द स्केचबुक दैट आई बॉट। लेट्स सी हम कितने स्केचेस करते हैं इसमें, बट मेरे को अच्छी लग रही थी और मैं बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वीडियोस में देख रही थी, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। तो ये थी हमारी छोटी छोटी चीजें, अब हम देखते हैं बड़ा सामान जो हम लेके आए हैं। तो लेट्स गो और बड़ा सामान देखते हैं एक एक करके। तो बड़ी चीजों में सबसे पहले है ये बहुत हल्की सी चीज, जो कि है एक बहुत बड़ा सा थर्मोकोल। एंड ये काफी मोटा है, इसकी विड्थ बहुत मोटी है। इससे भी मैं एक टेक्सचर आर्ट बनाने वाली हूँ वॉल डेकोर के लिए। एंड मैं ऐसे दो पीसेस लाई हूँ, एक्चुअली जरूरत एक की थी पर मुझे लगा रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर गलती से हमारा आर्टवर्क एक बार में खराब हो गया तो दूसरा भी मैंने ऑप्शन में रखा है।
सो या ऐसे दो आए हैं एंड ये बहुत ही लाइट वेट है, ऑब्वियसली थर्मोकोल बहुत लाइट वेट होता है एंड इसके प्राइस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो सेकेंड लास्ट थिंग इज दिस बड़ा सा एक्रेलिक कैनवस बोर्ड जिसमें हम ऑयल पेंटिंग एंड एक्रेलिक कलर से पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वाटर कलर से भी कई लोग करते हैं बट एक्रेलिक एंड ऑयल कलर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे इसमें पीछे पूरा इसका डिटेलिंग है और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, प्राइसिंग लिखी हुई है और इसका साइज है 30x36 inches जो कि यहाँ मेंशन भी है एंड इसका प्राइस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑलरेडी। और ये मुझे बहुत अच्छी डील लगी क्योंकि इससे सस्ता मुझे किसी भी स्टोर पे ये नहीं मिला आज तक। यानी काफ़ी बड़ी पेंटिंग बनने वाली है तो ये हमारी जाएगी यूट्यूब चैनल पे और हम बहुत जल्दी इसमें कुछ बहुत बढ़िया सा बनाने वाले हैं। सो या ओके द लास्ट थिंग इज दिस और बड़ा सा कैनवस बोर्ड। ये पहले वाले से भी ज़्यादा हल्का है और उसका रीज़न है वो आपका MDF के ऊपर कैनवस लगा हुआ था, ये फ्रेम के ऊपर कैनवस है। हाँ तो ये साइज में पहले वाले से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। दिस इज 36x48 inches अप्रोक्सीमेटली 3x4। सो ये जो फ्रेम वाले बोर्ड होते हैं इनके साथ यही इनका प्रो है कि बहुत लाइट वेट होते हैं। अगर किसी को अपने आर्टवर्क सेल आउट करना है तो ये ट्रांसपोर्ट वगैरह में बहुत इजी पड़ता है, कुरियर में इनका वजन कम आता है तो वो वैसे भी इजी पड़ता है। बट इनका कॉन यही है कि जब ये कैनवस का कपड़ा जब गीला होता है और उसमें जब कलर का वेट ऐड होता है तो टाइम के साथ ये लूज हो जाते हैं, तो उसको टाइट रखने के लिए ये लकड़ी यूज की जाती है। बट या दीज आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर लाइट वेट कैनवस बोर्ड फॉर पेंटिंग्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड अगर आपको भी ऐसी स्टेशनरी का बहुत सारा सामान लेना है तो उत्तरांचल स्टेशनरी पे विजिट करिए जिनका एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी है एंड वहाँ पे बहुत सारा सामान है। उनके पास 3-4 फ्लोर में दुकान एकदम भरी हुई है और छोटे से लेके बड़े सामान तक सब कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल है। सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब इट बिकॉज हमारे पास बहुत सारा कंटेंट आने वाला है आर्ट चैनल पे। सोचो इतना सारा सामान आया तो कितना सारा कंटेंट आएगा। सो या एंड डू लीव अ कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी और इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।